सालों बाद लगाया ध्यान ने भी फेस पैक। हमारा सब्जी रेडी है, इसमें लास्ट में मैंने ना और बहुत ही यम्मी लग रहा है। ये हो गया हमारा मैरिनेशन, थोड़ी देर के लिए इसको हम छोड़ देंगे। ठीक है बैठ जाओ। तो गाइस अभी सुबह का ब्रेकफास्ट चल रहा है, तो मैं यहाँ खा रही हूँ आलू के पराठे। और नीरा व्हाट अबाउट योर पराठा? और आल्सो ईटिंग आलू के पराठा। यस, और नीरा इज आल्सो ईटिंग। तो नीरव का भी आलू का पराठा है जो कि नीरव का बहुत ज़्यादा फेवरेट है, और हमारा चाय। तो आप जो है ना बहुत छोटा सा आलू का पराठा बनाया है, बहुत पतला है, इसमें स्टफिंग ज़्यादा है, तो मुझे ऐसे अच्छा भी लगता है। Hey guys, तो यहाँ पर मैंने फेस पैक बना लिया है, तो आज मैं अपने आप को थोड़ा टाइम दूंगी क्योंकि अगले 10 दिन में बहुत बिजी होने वाली हूँ। 10-15 दिन तक बहुत बिजी रहूंगी पैकिंग वगैरह में। तो आज मैंने सोचा थोड़ा सा अपने आप को पैम्पर कर लिया जाए। पैक के लिए डाला है बेसन, मुल्तानी मिट्टी, खूब सारा हनी और मलाई एंड थोड़ा सा टर्मरिक। तो सिंपल सा बनाया है फेस पैक, क्योंकि ये वाला फेस पैक मैं नीरव को भी लगाऊंगी। तो चलिए लगा लेते हैं। तो गाइस ध्यान को अभी जैसे तैसे लगा दिया, क्योंकि पिछले एक साल से उसने बिल्कुल भी फेस पे कुछ भी नहीं लगाया, तो उसको ना कोई लगाने भी नहीं देता है। पता नहीं कहते इतना अच्छा स्किन है फिर भी क्या लगाना, लेकिन स्किन अच्छी की बात नहीं है। मेरा होता है स्किन अच्छे या खराब की बात नहीं होती, आपको धूप में इतना जाते हुए धूप में हम इतना जाते हैं तो उससे क्या होता है टैनिंग बहुत ज़्यादा हो जाती है। तो उसी सब के लिए मैं उन लोगों को ऐसे कर देती कि टैनिंग हट जाए। आज सालों बाद लगाया ध्यान ने भी फेस पैक। चाट रहे, स्वीट लग रहा होगा। आज है घी निकालने का दिन, तो आज देख रहे हो कितने दिन हो गए। तो इसको मैं 3 दिन पहले से छोड़ दिया था, देख सकते हो इस तरीके से पानी ऑलरेडी छूट चुका है, और ऐसा लग रहा है घी देखो ऑलरेडी यहाँ पे बनना शुरू हो गया ऐसा लग रहा है। तो बस घी बना लेती हूँ अभी ना, जाने से पहले एक बार और कलेक्ट होगा घी। और ऐसे ना खट्टा हो जाता है ना, तो बहुत अच्छा इसका स्मेल लगता है, और ये फिर ना इसका मट्ठा बहुत अच्छा बनता है। तो मैं इस तरीके से चला लेती हूँ। कई बार क्या होता है ना गाइस, बहुत टाइम लग जाता है मुझे भी, और कई बार 5 मिनट भी नहीं लगते हैं, तो ये पता नहीं क्यों हो जाता है कभी कभी, थोड़ा ज़्यादा टाइम लग जाता है। वॉश कर ले तो मुझे पसंद नहीं है। देखो वॉश करके आ गया गाइस, ये क्या बात हुई, मैंने अभी लगाया देखो तो 5 मिनट भी नहीं रहने दिया। सारा जो बुक्स है नीरव की, जितने जो भी नीरव की यूज के बुक्स नहीं है वो मैं हटा रही हूँ। और वैसे तो इस साल के सारे यूज के नहीं है, बट कुछ ऐसे हैं जो मुझे लग रहे हैं बहुत अच्छे बुक्स, तो कुछ बुक्स मैं रखूंगी, जैसे कि बहुत सारे ऐसे इंग्लिश के बुक हैं, या फिर पिक्चर्स बुक है, या फिर बहुत सारे ऐसे हैं इंग्लिश के 3 बुक हैं, तो वो सारी चीज़ें मैं रखूंगी क्योंकि वो काम आ जाएगा ध्यान को। जैसे ये वाले पिक्चर बुक, तो ये एनी टाइम कभी भी, इवन नीरव ने भी बहुत सारी चीज़ें, मैम ने 2-3 सब चैप्टर रह गया है जो कि सिलेबस में नहीं था, तो बहुत सारी चीज़ें वो काम आ जाएगा, देख सकते हो पिक्चर्स के साथ बहुत चीज़ें सीखने को है। तो ये सारी चीज़ें कुछ ऐसी बुक्स हैं मैं रख दूँ। यहाँ पर आपको दिखेगा सारा नीरव ने जो बनाया है, पोंड डक बनाया है, फिश, उसके बेबी टर्टल, बहुत कुछ नीरव ने बनाया है, देख सकते हो। मन नहीं करा मुझे, पता नहीं क्यों, देने का किसी को। और ये इन्वायरमेंट की बहुत सारी, इसमें भी बहुत सारी चीज़ सीखने को, तो ये भी मैं रखूँगी।
बना रही हूँ थोड़ा अलग तरीके का बैंगन का सब्जी। तो ये हैदराबादी स्पेशल बैंगन का जो सब्जी है उसको सालन बोलते हैं, बैंगन का सालन। तो यहाँ पर उसके लिए थोड़ी प्रिपरेशन की है। थोड़ी सी चाहिए हमें इमली एंड अनियन, दही नहीं है अदरवाइज दही भी इसमें डलता है। यहाँ पे लिया पीनट एंड कोकोनट को, फ्रेश कोकोनट को मैंने अच्छे से रोस्ट कर लिया और पीनट को, ताकि ना इसका कच्चापन जो है वो ख़त्म हो जाए। और ये रहा देखो स्प्राउट्स। तो अभी इसका मैं सैलेड बनाऊँगी हेल्दी सा। तो इसको हमें गाइस वैसे तो ये डीप फ्राई होता है बट मैं थोड़ा सैलो फ्राई करूँगी और इसका बनाऊँगी मैं पेस्ट। और अनियन को पील करके इसमें डालना है तो इसका बनाएंगे हम पेस्ट। कोकोनट एंड अनियन का पेस्ट। तो गाइस अब लगभग मसाला भून गया है, इसमें डाल देंगे अब इमली का पानी। ये हमारा बैंगन, थोड़ा सा बैलेंस करने के लिए शुगर डालूंगी, बहुत हल्का सा शुगर डालेंगे। डालूंगी गरम पानी, गरम पानी गाइस जरूर डाला, टेस्ट उससे अच्छा रहता बना। अब इसको बिल्कुल धीमे आंच पे हम कुक होने देंगे तब तक कि जब तक कि तेल जो है ऑयल सेपरेट ना हो जाए। गाइस हमारा सब्जी रेडी है, इसमें लास्ट में मैंने ना राई और थोड़ा लाल मिर्च का तड़का दिया था तो इसलिए शुरू में मैंने ऑयल बहुत कम दिया था। तो ऐसा लग रहा है हमारा सब्जी जो कि बहुत टेस्टी लग रहा है। तो ये है बच्चों का विदाउट चिली। और ये रहा हमारा रोटी, हल्का सा इस आटे में ना मैंने मैदा दिया है क्योंकि इसके सब्जी के साथ ना ये अच्छा लगता है। मैं फटाफट से इसका सैलेड थोड़ा बना लूँगी बस सिंपल सा, क्योंकि आज तबीयत ठीक नहीं है तो आज इसी तरीके से ही चलेगा। सो गाइस हर दिन कुछ ना कुछ काम हो रहा है। अभी सारा इसमें ना एक्स्ट्रा कुछ मट्टी थे एंड कुछ पॉट जो थे उसको देख सकते हो खाली किया मैंने, पॉट का शेप तो कुछ पॉट खाली किए हैं। और इसमें ना ये जो था एक और मैंने दो प्लांट्स थे तो एक ही में लगा दिया मैंने सिंगोनियम का, तो इसको इसी में मैंने भर दिया है। और ये यहाँ एक और सिंगोनियम है तो बस अब थोड़ा सा झाड़ लगा ली, जो साफ़ सफाई और सारा मिट्टी जो है ना नीचे में डाल दूँगी। और यहाँ पे भी एक गमले का है जिसका काफ़ी कुछ सूख गया था, घर से आए थे हम लोग तो इसको भी नीचे हम फेंक कर आ जाएंगे। अभी जा रही हूँ नीचे, इसको फेंक कर आती हूँ, मतलब मिट्टी वाले में ही डाल दूँगी कहीं पर इसको, मतलब कचरे में किस लिए फेंकना मिट्टी को, तो इसको मिट्टी वाले में ही डाल देती हूँ नीचे। और ये बोरी भी है, अब मैं यहाँ झाड़ू लगा लेती हूँ। सैंडविच बना रही हूँ तो इसके लिए मैरिनेशन मैंने रेडी किया है, तो मैरिनेट करूँगी। तो इसमें मैंने लिया है दही, धनिया पाउडर रोस्टेड किया हुआ घर पे बनाया हुआ धनिया पाउडर, मिर्ची पाउडर, ब्लैक सॉल्ट, वाइट सॉल्ट, मस्टर्ड ऑयल। तो इसमें अब डाल दूँगी मैं पनीर के पीसेस और इसी का बनाऊँगी बड़ा सा अच्छा सैंडविच और इसको कर लेंगे फ्राई तवे पर। तो ये हो गया हमारा मैरिनेशन, थोड़ी देर के लिए इसको हम छोड़ देंगे बच्चों के लिए। एक एक सैंडविच बनाती हूँ। ये रहा हमारा गर्मा गर्म सैंडविच नीरव के लिए, तो नीरव को मैं दे देती हूँ। हल्का सा ऑयल में फ्राई किया है, बहुत टेस्टी बना है स्प्राउट्स। यहाँ पे बच्चों के लिए बन रहा है सूजी का हलवा, दिखा देती हूँ। क्या बोल रहे थे, चीनी नहीं डाली अभी तक, अब डाल दो शुगर। और यहाँ बच्चों का सैंडविच अब हमारा बनेगा। यहाँ पर सूजी का हलवा बन रहा है ध्यान के लिए। अब मैरिनेटेड डालेंगे पनीर। इसमें डाल देंगे पालक के पत्ते, थोड़ा हेल्दी वर्जन सैंडविच है।
हल्दी के चक्कर में सारा टेस्ट खराब नहीं होता। और क्या, पालक डाल देंगे इतना भी। ये तुम्हारा है ठीक है। हाँ जी ये तो मेरा। दूसरी तरफ हम डाल देंगे और ये इस पे सैंडविच स्प्रेड, तंदूरी सैंडविच स्प्रेड, तो बहुत अच्छा इसका फ्लेवर आता है, तो ये मैं हर सैंडविच में जरूर डालती हूँ। सो इस पे गया 1000 का पनीर। तो बस अब कुछ नहीं करना है, इसको बंद कर देना है। और सॉस जो है ऊपर से खाना मुझे पसंद है। यस एक चीज मैं भूल रही थी, तो इस पे हम डाल देंगे गाइस पिज्जा ऑर्गेनो, बहुत बहुत टेस्टी लगता है, तो ये भी मैं डाल दूंगी इस पे। इससे तो चार चांद लग जाएंगे। वैसे बन क्या रहा है, पिज्जा पिज्जा वाला बन रहा है, क्या बोलते हैं बिरयानी वाला बन रहा है। तो ये रहा रेडी है हमारा तंदूरी पनीर सैंडविच, जो कि बहुत अच्छा लगता है। चलो इसको हम यार बंद कर दूंगा, इसको फ्राई नहीं करोगे क्या? सो गाइस रेडी है मेरा सैंडविच और बहुत ही यमी लग रहा है, मैं खाने जा रही हूँ। सो मेरा सैंडविच बहुत ही हेल्दी सा हमारा सैंडविच रेडी है गाइस।